इटावा जनपद इटावा में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार कर लगभग 14 लाख का अवैध गांजा बरामद किया। एक दिल पुलिस के पास SOG और एक दिल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बरामदगी गांजा तस्कर ब्रजेंद्र सिंह और परशुराम को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश पवन सिंह की रिपोर्ट। ये कल की घटना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पूरे जनपद में मादक पदार्थों और अवैध शराब संबंधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली थी। हमारे SOG टीम प्रभारी विश्वकर्मा जी, सर्विलांस टीम प्रभारी रमेश अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। इसी में इन्हीं के साथ एक दिल थाना पुलिस भी थी। इनके द्वारा बिरारी पुलिया है जो हाईवे पे ओवरब्रिज है, वहीं पर एक मोपेड पर सवार दो लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ है जिसका वजन लगभग 50 kg है और बाज़ार में कीमत 13-14 लाख रुपए बताई जा रही है। ये दोनों ही व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों को उड़ीसा से लाया जाना अभी तक की पूछताछ में बताया जा रहा है। इसका फॉलोअप भी हम लोग करा रहे हैं और कौन कौन लोग हैं। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि ये जनपद इटावा और औरैया में इसकी खपत करते थे। इसमें से एक अभियुक्त ब्रजेंद्र सिंह है जो जनपद औरैया का है और दूसरा परशुराम अपने इकदिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस प्रकरण में अभी और विस्तार से जानकारी की जा रही है जो आपको शीघ्र ही अवगत कराएगी।